بسم الله الرحمن الرحيم إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلماء ورثة الانبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سونا بیٹھ جا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں اور اوتھے جا کے پینی اے بڑی مشکل تو جو اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے اوئے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہوں بولیا بول ہووے اوئے اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہو دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام
इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अक्दसो अतहरो आला और बाला वास्ते है। अल्लाह ताला दा निहायत ही फजल व करम है जिस दी तौफीक खास नल अज असी फिर जुम्मा दे खुतबा अंदर सतां दिनां तो बाद जमा होया। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरा और तुसा सारियां दा इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। कुरान पाक दी जिहड़ी आयत करीमा बल्कि आयत करीमा दा हिस्सा मैं इस वक्त तिलावत कर चुके हाँ। इस आयत दे हिस्से अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नू नाजल करन दा एक मकसद बयान किया है। वैसे तो अल्लाह ने कुरान नू नाजल किया है बड़े मकासद ने कुरान नू नाजल करन दे लखां हज़ारां करोड़ां अरबां खरबां ने जिन्हें बयान नहीं किए जा सकते बेशुमार ने। लेकिन इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने खास मकसद बयान किया है ना खास मकसद उदा अल्लाह की तौफीक नाल मैं अज्ज दे खुतबे जुमा अंदर जिक्र करांगा। मेरे मोहतरम भाइयो जड़ा सूरज है ना जड़ा सानू नज़र आ रहा है ये अल्लाह की आज इस जमीन तो 9 करोड़ ते चंद मील के फासले ते जिसकी इन्नी दूर होने के बावजूद तपश जून जुलाई के महीने के अंदर बर्दाश्त नहीं यानी इन्ना दूर होने के बावजूद बंदा इस सूरज के नीचे नंगे पाँव चल नहीं सकता गर्मियों के मौसम अंदर। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयो कयामत वाले दिन यो ही सूरज फकत एक मील के फासले ते होएगा जमीन तप के ते तांबे की बन जाएगी। सूरज जड़ा बिल्कुल जमीन के करीब आ चुकया होएगा हर तरफ नफसा नफसी का दौर चलेगा। मेरे मोहतरम भाइयो कयामत वाले दिन दियाँ बड़िया बड़िया मुश्किल ने लेकिन मैं तुहाडे सामने खुतबा जुमा दे टाइम दे इतबार नाल हिसाब नाल 4 तो 5 मुश्किल अज बयान करांगा जिहड़ियां कयामत वाले दिन मेरे तुहाडे ते पेश आने वाली ने। तो सियाणा बंदा वह हुंदा जिहनूं पता होवे मेरे ते आ मुश्किल आनी है तो वह बंदा उस मुश्किल की तैयारी करके रखता है उहनूं कहिंदे ने सियाणा। तो जिहनूं पता भी होवे कि मेरे ते फलां को परेशानी है आने वाली है कोई टेंशन है उसके बावजूद बंदा उसकी तैयारी ना करे फिर उन सियाणा नहीं कहिंदे। मेरे मोहतरम भाइयो कयामत वाले दिन आने वाली पहली मुश्किल ये वे कि मैं भी जिसम तो नंगा तो तुसी भी बरहाना। आदम की पूरी औलाद बरहाना हालत अंदर उठाई जाएगी तो सारी बात है जदों इनू किधर फेटी कर दो नाल जारी बात है जदों जिसम ते लिबास ना हो बंदा शर्म महसूस करता है क्यों जी करता कि नहीं करता। जारी बात है बंदे नूं शर्म आएगी गैरत आएगी हया आएगी क्योंकि इंसानियत का तकाजा है। इत्थे किसी नूं कहो खां मजमे के अंदरों को अपनी कमीज उतार के ला के बह जाए कोई बंदा कमीज उतार के ते बहना पसंद नहीं करेगा क्यों शर्म आती। तो मेरे मोहतरम भाइयो कयामत वाले दिन लिबास होएगा लेकिन लिबास पहनने वास्ते उन्हें मिलेगा जिहड़ा उस लिबास की कीमत इत्थे दुनिया ते भर के गया होएगा। नंबर 2 मेरे तुहाडे ते आने वाली दूसरी कयामत वाले दिन मुश्किल ये वे कि कयामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा। तो जारी बात है इत्थे गर्मी महसूस होवे ते साया भी कोई ना होए ते बंदा फटाफट ए सी रूम के अंदर चला जाता है कोई जनाब किसी दरख्त की छांव के नीचे किसी जनाब कमरे के रूम की छांव के अंदर। तो मेरे मोहतरम भाइयो इत्थे साया बंदा तलाश करता है जे साया ना मिले तो बंदा परेशान हो जाता है। इस तरह कयामत वाले दिन साया तो नहीं होएगा पर साया होएगा जरूर लेकिन साया कयामत वाले दिन उन्हें मिलेगा जिहड़ा उस साए की कीमत इत्थे दुनिया ते भर के गया होएगा। नंबर 2 मेरे तुहाडे ते आने वाली तीसरी मुश्किल ये वे कि कयामत वाले दिन मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ने
मेरी तुहाडी शफात भी करनी है ते ये ते हो गई प्यार दी गल। जिहड़ी मुश्किल वे कि आपने शिकायत भी अपने उम्मतियां दी लानी। शिकायत किन्हां दी लगनी है? शिकायत उन्हां दी लगेगी जिहड़े होणगे बेनमाजी, जिहड़े होणगे अल्लाह रसूल तो दूर रहण वाले, जिहड़े होणगे अल्लाह तो उंजी बरी जिन्हां नूं अल्लाह दी कदी याद ही नहीं आई, उन्हां दी लगेगी क्यामत नूं पक्की ठक्की शिकायत। ते शिकायत लानी किन्ने वे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते शफात किन्हां दी करनी है? जिन्हां नूं अल्लाह दी पहचान होई, जिन्हां नूं अल्लाह दी जात दी पहचान होई, जिन्हां ने अल्लाह दी पहचान कीती, जिन्हां नूं अल्लाह दी तौहीद दा पता होया, जिन्हां नूं अल्लाह दा प्यार मुहब्बत दे नाल तारफ होया, जिन्हें रब नूं रब दी जात नूं अहादीस विच पढ़िया, उन्हां दी शफात होएगी। मेरे मोहतरम भाईओ, फिर ऐसे भी बंदे होणगे जिन्हां दी अल्लाह दी पछाण तों हट के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करनगे। मिसाल दे तौर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़न वाले दी भी शफात होएगी। मिसाल दे तौर ते इंज अगे भी हदीसां ने, अगर वक्त मिलिया तो इंशाल्लाह मैं बयान करांगा। लो, मैं सारा जुमा तुहाडे सामने रख दिता भी मैं बयान करना। मेरी दुआ है कि मैं चंद ही मिनटा के अंदर जो कुछ बयान करा, अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मापू पैगंबर दे सीने पाक ते नाजुल होने वाला अल्लाह दा कुरान की बयान करदा है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान। अल्लाह फरमांदे ने, लोको मैं पाक जात वा जिन्ने फुरकान नु नाजल कीता है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान, मैं बरकत वाली जात वा जिन्ने फुरकान नु नाजल कीता है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान, फरमाया लोको मैं अजमत वाली रब्बे कायनात जात वा जिन्ने फुरकान नु नाजल कीता है। अच्छा, अल्लाह सुनिया फुरकान किन्नू कहंदे पैजे? फरमाया कायनात दे लोगो, मैं फुरकान अपनी किताब कुरान नू कहना पिया। सुभान अल्लाह। ते फुरकान दा माना की है? हक ते बातल दे दरमियान फर्क करन वाली किताब। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान, शिरक ते जनाब तौहीद दे दरमियान फर्क करने वाली किताब नू अल्लाह ने नाजुल किया है। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान, तौहीद ते जनाब शिरक दे दरमियान, बिदअत ते जनाब सुन्नत दे दरमियान फर्क करने वाली अल्लाह किताब नू नाजुल किया है। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ालल फुरकान, सच ते झूठ दे दरमियान फर्क करने वाली किताब नू अल्लाह ने नाजुल किया है। अच्छा, अल्लाह सुनिया नाजुल किदे ते कीता ई? फरमाया लोको आओ मैं दसा, जिहड़ी हक ते बातल दा फर्क कर दीए, जड़ी सच ते झूठ दा फर्क कर दीए, ओ मैं किताब किदे ते नाजल कीती है? फरमाया अब्दे, मैं अपने बंदे ते नाजल कीती है। अच्छा, अल्लाह सुनिया बंदा कौन है? फरमाया ओ लोको मैनू ओ शख्सियत पुछदे जे जिसने मैं कुरान नाजल कीता है, ओ केड़ी शख्सियत है? फरमाया जी दी जलवत आला, जी दी खलवत आला, जी दी फजर आला, जी दी जोर आला, जी दी असर आला, जी दी मगरब आला, जी दी इशा आला, जी दी अबू बकर आला, जी दी उमर आला, जे शख्सियत ते मैं कुरान नाजल कीता है, ओदे उस्मान आला, अली आला, तलहा आला, जुबैर आला, बदर वाले आला, खंदक वाले आला, हुनैन वाले आला। फरमाया आला अब
ਦਾਵਤ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦਰੇ ਮੁਕਾਮ ਏ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੀ ਦੇ ਤੀ ਦੇ ਤੀ ਪਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ੁਹਾ ਵੱਲੈਲੀ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ ਮਾ ਵੱਦਾ ਕਾ ਰੱਬੁਕਾ ਵਮਾ ਕਲਾ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਆਲਮੀ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਈਓ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਬਾਰਕ ਅਲਜ਼ੀ ਨਜ਼ਲ ਅਲਫੁਰਕਾਨ ਅਲਾ ਅਬਦਿਹੀ ਲਿਯਕੂਨ ਲਿਲਆਲਮੀਨ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਮਕਸਦ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਯਕੂਨ ਲਿਲਆਲਮੀਨ ਨਜ਼ੀਰਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਯਕੂਨ ਲਿਲਆਲਮੀਨ ਨਜ਼ੀਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵਣ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵੇ ਅਜ਼ਾਬੇ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵਣ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਡਰਾਵਣ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵਣ ਉਹ ਲੋਕੋ ਸੂਦ ਖੋਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਵਣ ਉਹ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣਾਇਆ ਏ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਕਿਸ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਲਜ਼ਿਲਤਿਲ ਅਰਜ਼ੁ ਜ਼ਿਲਜ਼ਾਲਹਾ ਵਾ ਅਖਰਜਤਿਲ ਅਰਜ਼ੁ ਅਸਕਾਲਹਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਪੇ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਇਹ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਖਾ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਨੂਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ
वाले दिन सारे नबी, सारे वली, सारे अदकिया, सारे औलिया और सारा जहान ते सारे नबी सारिया मखलूक एहो ही कहदियां होणगियां अल्लाह मैं बच जावा मैं बच जावा। लेकिन सदके उस नबी तू जिहड़ा उम्मत दे गम दे अंदर बोलेगा, उस नबी तू तन फिदा, मन फिदा, रूह फिदा, बच्चे फिदा, मापे फिदा। वो जिहड़ा कयामत वाले दिन कहंदा होएगा रब्बे उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। ओ कदी रोंदा सी बह के ओ यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला जा जा के गारां दे विच, सुभान अल्लाह। ओ किन्ना एहसास उम्मत दा है सी पीर नूं, सारी उमरां तां रब नूं मनाउंदा रिहा। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोको, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। हुण मेरे तुहाडे ते हुण मुश्किलां ते मैं तुहाडे सामने रखियां ने, आओ इहनां दा हल तलाश करिए। तवज्जो मेरे वल, मेरे तुहाडे ते आण वाली पहली मुश्किल केड़ी है? कयामत वाले दिन मैं भी बगैर लिबास तो उठाया जावांगा ते तुसी भी बगैर ही लिबास तो उठाए जाओगे। सारी बात है इत्थे बंदे दे जिस्म ते लिबास ना होवे ते बंदा जरूरत महसूस करन लग जांदा है, कोई चादर मिल जाए, कोई सूट मिल जाए, कोई लिबास मिल जाए ते मैं अपने जिस्म नूं ढक सका। मेरे मोहतरम बाजो, ओ कयामत वाले दिन लिबास होएगा, उच्ची बोलो लिबास होएगा। लेकिन कयामत वाले दिन पहनण वास्ते लिबास ओनू मिलेगा जिहड़ा उस लिबास की कीमत इत्थे दुनिया ते भर के गया होएगा। आओ मैं तुहानूं एक दो लिबास विखावां। मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला लिबास अल्लाह दा कुरान है, फरमाया वा लिबास तकवा खैर। ओ लोको, जिहड़ा बंदा अल्लाह को जिन्ना ज्यादा तकवे अंदर, परहेजगारी अंदर मजबूत होएगा, इंज कह लवो जिदा रब नाल जिन्ना ज्यादा मजबूत तल्लक होएगा ओडा अच्छा लिबास ओनू कयामत वाले दिन अता कर दिता जाएगा। फरमाया जिदा मजबूत तालक रब नाल होएगा, ते मजबूत तालक गाने सुन के बनता है, मजबूत तालक जवानों फिल्मा वेख के बनता है, रब नाल मजबूत तालक ड्रामे ते चुगलियां ते डकेटियां करके बनता है। फलाना मुंडा पखे नाल लमक के मर गया, फलानी कुड़ी नहर में छाल मार के मर गई, वजह तहरीर की जिते कुड़ी मुंडा चाहते सन साडा विआह हो जाए, अम्मी अब्बे ने विआह किया कोई ना, इन्होंने समझिया साड़ी खाश पूरी नहीं होई, सानू मर जाना चाहिए। और मेरे मुसलमान भाइयो, कामों की वालो एक गल तुहानू मैं पूछना चाहना वा, बंदा मुसलमान होवे ना जान दवे ना इस मुसले की इज्जत की खातर, ये तो गल बनती जुड़ती है। बंदा मुसलमान होवे ना जान दवे ना नबी दे मिंबर की खातर, ये तो गल बनती जुड़ती है। कुरान पाक जलाया गया लेकिन अज दा जवान जान ना दिस गया, पैगंबर दे खाके छापे गए लेकिन अज दा जवान जान ना दिस गया। इन्हें जान कदों दी है? जदों एक जमाने की औरत ने दे नाल चलण तो इनकार किया, इन्हें जान दे दी है, इन्हें उम्मत नूं मैसेज ते पैगाम दिता। हाँ हाँ, मेरे नज़दीक रब दे कुरान दी कोई अहमियत नहीं, नबी सुल्तान दी कोई अहमियत नहीं। हाँ हाँ, जिहड़ा प्यार मैं आमिना ते दुर्रे यतीम नाल करना सी, मैं ओ नबी पाक नाल ते नहीं कीता, एक जमाने दी औरत दे नाल कीता है। ओ मेरे मोहतरम भाइयो, पैगंबर दे सहाबा जाना देवन पैगंबर दी अजमत ते अज दा जवान जान दवे दुनिया की खाश से ना ना सुनिया, वो जिदा क
कलमा पढ़ी दाई ओदी गल नू वी मन्नी दाई। ओए जिदा कलमा पढ़ी दा ओदी गल नू वी मन्नी दा। पहला साया ओनू मिलेगा जिदा अल्लाह नाल प्यार होएगा, जिदा अल्लाह दे रसूल नाल प्यार होएगा। दुआ करो अल्लाह सानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमाए। ते प्यार किंज मिलेगा, रब दी मुहब्बत किंज मिलेगी? अल्लाह फरमांदे ने कुल इन कुल तुम को सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा बंदा कुरान सुने ना ते सीने ठंड पै जांदी है। ओए बंदा नबी दा फरमान सुने ते सीने ठंड पै जांदी है। ते जिस बंदे नूं तवज्जो, जिस बंदे नूं कुरान सुन के मेरे नबी दा फरमान सुन के ओ सीने ठंड ना पवे, ओनू अपने इमाम दा फिक्र कर लेना चाहिदा है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने ओ सुनो लोको, अगर मेरा प्यार चाहते हो, अगर मेरी मुहब्बत चाहते हो, फिर कि तुहानू कानून मेरा मनना पवेगा। जी जी अल्लाह जी, की कानून है? मैं ना बड़ी तरतीब नाल बयान कर रहा, तो जो मेरे वल। अल्लाह फरमांदे ने अगर मेरा प्यार चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो, अल्लाह सानू अपनी मुहब्बत अता कर दे। ते कामों की वाले हो, अल्लाह दी मुहब्बत खूह विच लत्ता लमका के नहीं लभदी, अल्लाह दी मुहब्बत सिर विच कट्टा पा के नहीं लभदी, अल्लाह दा प्यार कंजर नचा के नहीं लभदा, अल्लाह दा प्यार बाबियां दिया गिट्टियां नू चुम के नहीं लभदा, अल्लाह दा प्यार बाबियां दिया गोडियां नू चुम के नहीं लभदा, अल्लाह दा प्यार कब्रां ते तवाफ कीतिया नहीं लभदा, रब दा प्यार मज़ारां ते जा के नहीं लभदा। अच्छा अल्लाह सुनिया किवें लभेगा? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। फरमाया लोको, अगर मेरा प्यार चाहते हो तो फिर मेरे नबी मुहम्मद की गल मनो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते ने अगर मेरा प्यार चाहते हो फिर मेरे नबी दे आखे लगन लग जाओ। नमाजा उंजे पढ़ो जिमें मेरे नबी ने पढ़िया ने, तुहानू रोजे उंजे रखने पैणगे जिमें मेरे नबी ने रखे ने, तुहानू रोजे ते नमाजा ईदा उंज करनिया पैणगियां जिमें मेरे नबी ने कीतियां ने। हत्ता के तुहाडा सौना मरना जीना बहना उठना खलोना मेरे नबी दे तरीके दे मुताबक हो जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने इस खुशी दे अंदर युहिब्बुकुम अल्लाह, मैं तुहानू अपना प्यार अता कर दवांगा। ते जिन्नू रब दा प्यार लब गया उन्हूं बोलो दुनिया दी मुहब्बत दी लोड़, उन्हूं दुनिया दे प्यार दी लोड़ नहीं जरे जांदी। जिन्नू रब दा प्यार लब गया उन्हूं दुनिया दीआं उल्फतां दी मुहब्बतां दी लोड़ नहीं जरे जांदी। ओ यारी सच्चे दिलों रब नल जोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलों रब नल जोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलों रब। ते रब ते अगे कहिंदा ई कि आजा मंग लै जो कुछ चाहना आए, तेरा रब हां क्यों शर्माना आए, क्यों बुवे गैरां दे जाना आए, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ते रब कहिंदा अल्लाह अरशां तो मिसाल मैं देना, मेरे मोहतरम भाईओ एक छोटा जिहा बच्चा, छोटा जिहा बच्चा है, उन्हें जनाब रो के अपनी अम्मी नूं मना लिया, रो के अपने बाप नूं मना लिया। ईद का मौका है अम्मी जी नवा जूता लैना है, ईद का मौका
काम आ जी नवा सूट मैं लैना है। मां कहती है ना 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 गुरबत बड़ी है ते परेशानी बेहालो हाल हो फिर ये बाप दे कोलों जनाब झिड़खा खा के मां कोल चला गया है। अरशां तो आवाज आती है वो लोगो वेखो एक छोटा जिहा बच्चा है ते अपने वालदैन नूं रो के मना लिया है। उन्हें रो के अपनी अम्मी कोलों रो के मना के ते सूट नवा लै लिया, रो के अपने वालदैन नूं मना के ते जूता नवा लै लिया। अरशां तो आवाज आती है वो नमक रामा किन्ना कु तो पत्थर दे लोगे आवे। एक छोटे जे बच्चे ने रो के अपने वालदैन कोलों जनाब नवा सूट ते लै लिया। किड्डा तू पत्थर दे लोगे इंसाना, तू मेरे कोल रो के अपनी माफी ना लै सकिया। एक बच्चे ने रो के अपना जनाब अपनिया लुआजमात पूरियां करा लिया। तू मेरे को रो के अपनिया दरेड़ साल ते 60 साल की जिंदगी दियां गलतियां माफ ना करा सकिया। और तू रो के मेरे को अपनिया चुगलियां माफ ना करवा सकिया, रो के तू अपनिया गलतियां माफ ना करवा सकिया। रब कहिंदा या जा मंग लै जो कुछ चाहना है, तेरा रब खां क्यों शर्माना है। अगे कहिंदे ने रब ताला दी जात बंदे नूं आवाज मार दी है ओए आ खाली हाथ आवे चोली पर दे वा तेनू माल औलाद। अज तक कैंपीए दे तरले मारने आए, बड़े बड़े चौधरियां दे ते तरले मारने आए। काश मैनू तेनू अपने रब नूं मनाना भी आ जाए। पहला बंदा कायनात दे लोको अल्लाह ताला नाल जिन्ना तालक मजबूत होएगा अल्लाह उड़ा अच्छा लिबास। और दूसरा बंदा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने कायनात दे लोको जेड़ा बंदा किसे नूं अल्लाह वास्ते माफ कर देंदा है बंदा रब वास्ते किसे नूं माफ करके आया होएगा। अल्लाह फरमान के आप तेरे सामने जन्नत दे सूट ते मुख्तलिफ वैरायटियां पईयां नी, जेड़े मर्जी सूट उते अज हाथ रखेगा अज तेनूं रब ओही पहनण वास्ते अता कर देगा। ते सूट एवें नहीं लभणे, एक दूजिआं नूं माफ करना पैणा वे। दुआ करो जड़े आपस अंदर नाराज ने अल्लाह सुलह की तौफीक दे दे। उची आमीन कह दे। हुण इत्थे हुण मैनू मिसाल एक याद आई। अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम हसन कहो रजी अल्लाह तआला अनहु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने दूसरी औरत दे नाल ना एक ने शादी की सी, अनफिया कबीले की सी। उहदे बतन विचों जिहड़ा पैदा होण वाला बेटा सी उहदा नां सी मुहम्मद बिन हनफिया, यानी हज़रत हसन दे माँ बाप वालों ये भाई सन। हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अनहु दे तवज्जो ते जनाब हसन मुहम्मद बिन हनफिया ते जनाब हसन आपस अंदर दोवें वीर किसे गल तो नाराज़ हो जाते ने। ते मुहम्मद बिन हनफिया मेरे महबूब पैगंबर दे हसन रजी अल्लाह तआला अनखोदा जनाब बाप वालों सका पाइए ते जनाबे मुहम्मद बिन हनफिया खत लिखे अपने भरा क्या मेरा वीरा वेखना तेरी माँ हो रे मेरी माँ हो रे है मेरा वीरा तेरा नाना हो रे मेरा नाना और रे मेरा एक आम नाना है तेरा नाना पूरी कायनात दा सरदार है। मेरा एक आम नाना है तेरा नाना ते इमामुल अंबिया है तेरा नाना ते आखरु जमान नबी मुहम्मद रसूलुल्ला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत लिख दे पे ने ते नाल कहिंदे ने वेखना तेरी माँ तेरी अम्मा जान दा नाम सैयदा फातिमा तू ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अनखाए जड़ी औरत जन्नत दियां औरतां दी सरदार है। तेरी माँ हसन अजीम औरत है मेरी माँ एक आम औरत है। वेखना छोटे भरावां कोलों गलतियां हुंदियां ने ते वड्डे भरा उन्हां नूं माफ़ कर देंदे ने ते तू मेरा वड्डा भरा वे हसन ते रब दा वास्ता ही मेरे कोलों गलती हो गई है ते मैनूं माफ़ कर दे, मैनूं रब वास्ते माफ़ कर दे अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे। खत
खातर पहुंचिया जनाबे सैयदना हसन को वीर मुहम्मद बिन अनफिया दा इमाम हसन पढ़ते पैने वेखना ओ मेरे प्यारे हसन तू मेरा वड्डा वीर लगना है मेरा वड्डा भरा वे ते भरा ते भरावां दियां बावां होया कर दियां ने रब वास्ते जो मेरे को गलती हो गई है ते माफ कर दे ओ लोग इमाम हसन खत पढ़ते ने ते नाल ही उच्ची उच्ची रोन लग पैंदे ने ते नंगी पैरी नस पैंदे ने ते जाके अपने वीर नूं इंज जफ्फा मार लैंदे ने ते जनाब सुलह कर लैंदे ने मतलब की है ओ लोको मेरे नबी दे सहाबा भी सुलह पसंद सन मेरे नबी दे जानसार भी सुलह पसंद सन ते अज असी आपस अंदर लड़ाइया क्यों एक एक इट दे बदले सके भरा नूं फैर मार देने आ एक एक जनाब बन्ने दे बदले पांच पांच कतल हो रहे ने किस वजह तू मेरे सोने सारा अल्लाह यह सारा मेरा तेरा गुस्से का मामला है साढ़े गुस्से की वजह तू अदालतां भरिया पे साडे गुस्से का नतीजा के थाने भरे पैने साडे गुस्सों का नतीजा बड़िया बड़िया अदालतां अंदर कतल हो जाते हैं और वीरो अगर चाहते हो जन्नत का लिबास मिले एक दूसरे को माफ कर दिया करो इत्थे मैं कोई होर भी गल कहना चाहना जिहड़ा वड्डा मुफ्ती बने जिहड़ा पंज नमाजा पढ़े टिक्के ते मेरा पा के रखे तहज्जुद भी कोई ना छड़े लेकिन करतूत देख सके भरा नूं 20 साल हो गए ने कदी बुलाया ही कोई नहीं सकी मां नूं जालम बुलांदा ही कोई नहीं ओए सके बाप नूं बुलांदा ही कोई नहीं ओ जा जा इसियां तेरियां नमाजां कबूल नहीं ओए तू सके भरा नूं ना फलावे आके फजर पड़े टाइम ते जोर पड़े जमात नाल रब दी कसम है ऐसे रब नूं अमाल पसंद नहीं और रब नूं दुनिया अंदर तेरे भरा नाल सुलह करना पसंद है अल्लाह नूं हकूकुल इबाद अजीज ने याद रखिए अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा फरमान है जिहड़ा बंदा तीन दिन तू ते नाराज हुंदा है तीन दिन तू ते एवें बिला वजह नाराज रहिंदा है मेरे नबी ने फरमाया ओदी कोई इबादत कबूल नहीं ओदा कोई रोजा कबूल नहीं इस वास्ते मेरे सोहणे हो जन्नत दा लिबास मिलेगा अज तो बाद वादा करो जिहड़े नाराज ने इंशाल्लाह पावना दी सुलह कराणी है हुण नहीं बोलना तुसी नहीं बोलना मैं जो कहना समी उल्ला साजद आया तुहाडे कोल काम हो गई हुण तुसी बोलना ही नहीं इंशाल्लाह सुलह कराणी है ओ मेरे भाईओ उच्ची कह दो इंशाल्लाह ये औखा काम है जे हदीसां आपां नहीं पढ़नियां तो फिर चुक दिओ मिंबर ताले मार दिओ मस्जिदां नूं ओए कौड़ियां हदीसां ओह जिहड़ा बंदा ओह हुंदा जिहड़ा अल्लाह वास्ते किसे नूं माफ कर दिंदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं कबर रज़ी अल्लाह तआला ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक कबर रज़ी अल्लाह तआला अनहो आपस अंदर नाराज़गी बन गई है ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा दिल नरम हो गया है ते जाके कुंडा अबू बकर ने उमर दा खड़का दिता है मन दा कलबाब आना अबू बकर अच्छा किधर आए जे अखे जनाब वेखना उमर यार तू मेरा वीर है तू मेरा भरा है चलो गलती हो गई आपस दे अंदर ते अल्लाह वास्ते यार उमर मैनू माफ कर दे ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं जनाब उमर फरमांदे ने जा अबू बकर वापस मुड़ जा मैं तेनू माफ नहीं करना जा चला जा मैं तेनू माफ नहीं करना ते जनाब अबू बकर सिद्दीक रोंदे रोंदे ते जनाबे उमरे फरूक दे जनाब दरवाजे तू वापस आ गया थोड़ी जी देर नहीं गुजरी ते प्यारे उमर दा दिल नरम हो गया है अखां विचों आंसू त्रिप त्रिप करके वगण लग पैने ते अपने दिल नाल ही कहिंदे ने यार मेरा वीर अबू बकर मेरे दरवाजे ते चल के आया सी इंज करके हाथ बन्नी खड़ा सी के मेरे वीर आ मैनू माफ कर दे पर उहनूं मैं माफ नहीं कीता मैनू माफ कर देना चाहीदा सी मेरा वीर सी चलो कोई नहीं गलती हो गई है प्यारे उमर दा चंद लम्हियां तो बाद दिल नरम होया उठे ने ते जाके जनाबे अबू बकर दे दरवाजे ते पहुंचे दरवाजा खड़काया पता लगा अबू बकर दे घर दे अंदर आया ही कोई नहीं हजरत सिद्दीक अकबर कोई नहीं घर दे अंदर हजरत उमर सोचदे ने अबू बकर ने किथे जाना ओदे नबी पाक दे कोल ही गए होणगे हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला चलदे चलदे मस्जिद नबी अंदर पहुंचे ने ते जनाब अबू बकर ने पहला ही जाके सारी कहानी नबी पाक नु
सुना दिती है। वेखो ना सोने महबूबा, मेरा वीर उमर सी ते मैं उन्दे कोल माफी मंगण वास्ते गया सा। पहले नंबर ते मेरे नबी ने अपने यार अबू बकर नूं जदों अपने वाल आंदियां वेख्या, इंज करके घुट के लिबास टुंगिया प्यारे अबू बकर ने। मेरे नबी अपने यारां दियां हरकातों सकनात वेख के ते नबी पाक नूं पता चल जांदा सी, अज मेरा पर फलाना यार फलानी हालत दे अंदर है। ते जनाबे उमरे फर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने घुट के लिबास टुंगिया, घुट के लिबास नूं कसिया ते नबी पाक वल टुरे जा रहे ने। मेरे नबी ने दूरों आंदियां वेख्या, आप फरमांदे ने ओ मेरे वीर ओ मेरे प्यारे अबू बकर, मैनूं इंज लगदा जदों तू इस हालत दे अंदर इंज करके लिबास टुंग के आंदा, अज मैनूं इंज लगदा जिवें तू किसे नाल नाराज़ हो के आया, जिवें किसे नाल तू झगड़ा करके आया है। जदों तू लिबास ते कमीज अपनी टुंग के आंदा है, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता लग जांदा है, अज मेरा वीर अबू बकर किसे नाल नाराज़गी दे नाल आ जाए। हज़रत सिद्दीक आके कहंदे ने सोने महबूबा अबू बकर, हाँ मैं उमर दे नाल नाराज़गी बन गई है, माफ़ी मंगी उन्हें दिती कोई नहीं। इन्नी देर नूं हज़रत उमर भी पहुँच गया ते जाके जनाब उमर हाथ बन्नी खड़े ने, वीर मेरे अबू बकर मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे। हज़रत सिद्दीक अकबर मेरे नबी दे कोल ही बैठे ने, मेरे नबी उठन लगे ने, मिंबर वल जान लगे ने। हज़रत अबू बकर ने अज करके कंधा मुबारक मेरे नबी का पकड़ लिया, कहिंदे ने अल्लाह दे नबी जी की होया जे मेरे उमर वीर ने मैनू माफ़ नहीं किया, लेकिन सोने रब का वास्ता जे मेरे वीर दे बारे कोई तत्ता जुमला ना बोलिया जे, मेरे वीर उमर दे बारे कोई गर्म जुमला ना बोलिया जे। हज़रत अबू बकर नूं पता सी नबी पाक कोई वईद दा मामला ना फरमा देन। मेरे पैगंबर फरमांदे ने या अय्युहन नास, ओए लोको सुनो, तुहानूं अबू बकर दे मामले दे अंदर क्यों नहीं डरांदा तुसी, मैं मुहम्मद नूं अबू बकर दे मामले अंदर दुख देण तों बाज आणा है कि नहीं आणा। मेरे नबी ने जनाबे सिद्दीक दे फज़ाइल बयान कीते, दसण दा मकसद है लोगो मेरे पैगंबर ने सुलह नूं पसंद कीता। तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिहि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। दूसरी मुश्किल मेरे तेरे ते आने वाली, क़यामत वाले दिन कुछ साया नहीं होएगा, इत्थे साया ना होए बंदा दरख्त दे नीचे चला जांदा है। मेरे मोहतरम भाइयो, अज कई बंदे कहिंदे ने फलाने निम दे दरख्त दे साए दी क्या बात है, साडे पिंड दा बोड़ दा दरख्त दे उहदे साए दी क्या बात है। ओ मेरे मोहतरम भाइयो, आओ तुहानू मैं दो पहले साए विखावां जिहड़े अल्लाह ने जनतियां नूं क़यामत वाले दिन अता करने ने। ओ क़यामत वाले दिन साया होएगा, उच्ची बोलो साया होएगा, लेकिन मिलेगा उहनूं जिहड़ा ओ साए दी कीमत इत्थे दुनिया ते भर के गया होएगा। पहला साया आप फरमांदे ने जिहड़ा बंदा सूरह बकरा नाल प्यार करदा है, बोलो किहदे नाल प्यार करदा है, सूरह बकरा नाल प्यार करदा है। जिहड़ा बंदा सूरह अल इमरान नाल प्यार करदा है, प्यार करन तों की मुराद, दिने भी पढ़दा है ते रात नूं भी पढ़दा है। मेरे नबी फरमांदे ने क़यामत वाले दिन जदों कोई साया नहीं होएगा, ए सूरह बकरा सूरह अल इमरान अपने पढ़न वाले दे सर दे उपर इंज करके आ जाण गईआं जिवें छतरी हुंदी है, छतरी दी शक्ल दे अंदर सूरह बकरा बंदे दे सर दे उपर आ जाएगी, बंदे दे जनाब साया करके इंज करके उत्ते आ जाएगी, सूरह अल इमरान बंदे दे सर दे उत्ते आ जाएगी। बंदा इधर जाएगा सूरह बकरा दा साया इहदे नाल नाल जाएगा, बंदा इधर जाएगा सूरह बकरा दा इहदे नाल नाल साया जाएगा। और मुसलमानो कुरान पढ़िया करो, कयामत वाले दिन इहो ही कुरान बंदे वास्ते साया बन के ते बंदे दे सर दे उत्ते आ जाएगा। दुआ करो अल्लाह कुरान नाल प्यार नसीब फरमाए। आखिरी गल्लां ध्यान मेरे वल, कुरान पढ़िया करो मोमनो, की करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए है, कंजर सुनने गाने सुनने। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आईया बहारा, मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ,
कुरान दे नाल आईयां बहारां, मैं कुरान दे इक इक सिपारे तू सदके, मैं कुरान दे इक इक सिपारे तू सदके, होया जिस ते नाजिल उस प्यारे तू सदके, कलामे खुदा नू जिन्ना सीने लाया उना लई जग विच बहारा बहारा, मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आईयां बहारा। मेरे मोहतरम भाइयो, साया कयामत वाले दिन कुरान दा मिलेगा। और एक होर साया रवायत बुखारी दे अंदर है, एक बारी मुंह मिठा करो दुरूद उची पढ़ो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते ने लोगो सत्तां किस्म दे बंदियां नूं अल्लाह रिश्ता साया नसीब फरमाएगा। मेरे पैगंबर दी मशहूर हदीस है, वह सत बंदे तुहानूं पता होगा। अगे चलिए, अल्लाह फरमाते ने तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दही ले यकून लिलालमीना नज़ीरा, सुभान अल्लाह। हुण तीसरी मुश्किल, कयामत वाले दिन मेरे नबी ने मेरी तुहाडी शिकायत भी लानी है। किन्ना दी शिकायत लगेगी? बेनमाजां दी शिकायत, बोलो किन्ना दी? बेनमाजां दी, बेदीना दी शिकायत। शफात किन्ना होएगी जिन्ना दी? अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया, शफात उन्हां दी होएगी जिहड़ी रब नूं पहचानण वाले होणगे, जिहड़े रब दी पहचान रखण वाले होणगे। ते शिकायत किन्ना दी होनी है? बोलो सारे, शिकायत किन्ना दी होनी है? सारे बोलो बेनमाजा दी, बोलो किन्ना दी? ते आपां सारे नमाजी बैठे हैं माशाल्लाह, क्यों जी नमाजियां? सारे बोलो ना, नमाजी बैठे हैं। नबी पाक फरमांदे ने मुशरक ते काफर दे दरमियान फर्क है, ते जड़ा नमाज ना पढ़े वो मुसलमान। बहस करन नूं ते इमाम दीन बनया हुंदा है, बहस कर मुफ्ती बने आंदा, बहस करन ते आवे ते जनाब शेखुल हदीस बने आंदा। जे पूछो ते फजर भी कोई ना, फजर जनाब सुत्या पिया लंघ जाती है, जोर भी लंघ गई कारोबार अंदर, वो की करिए मौलवी जी, हुण काम ही इंज दा भी की करिए। कईआं नूं कोई नमाज पढ़ ते उह को पता कहिंदे ने, मौलवी जी कपड़े खराब ने। अच्छा, कपड़े सहुरिआं ते जाणा ते नवां सूट है, रब दे घर आउणा ते कपड़े खराब ने? ते जे वो कपड़े नहीं खराब, तेरी नीयत खराब है। दुआ करो अल्लाह पांच टाइम का नमाजी बनाया, आमीन कह दो। आप फरमाते मेरे नबी दी जे गल पूछ दे, अम्मा आयशा सिद्दीका कवर रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा फरमादियां ने कायनात दे लोगो, मेरे नबी ने पूरी जिंदगी दे अंदर फजर दियां कदी दो सुनतां भी छड़ियां कोई नहीं सन। फजर दियां सुनतां भी मेरे नबी नहीं सन छड़ियां। और अम्मा फरमांदियां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तुहाडे मजाज दे खिलाफ गल होण लगी है, तुसीं हुण ध्यान करो ते ना करो, बहरहाल मैं इंशाअल्लाह सुनावांगा, तुहानूं सुणा के जावांगा। भाई शाहिद साहब और जिन्ने मस्जिद दी इंतजामिया, मैं सब वास्ते दुआ करना अल्लाह इस मस्जिद नूं मजीद आबाद फरमाए। मेरे नबी फरमांदे ने, कायनात दे लोको, मैं मुहम्मद नू लख कीमती नहीं, करोड़ इन्हें कीमती नहीं, इन्हें अरब कीमती नहीं, जिन्या फजर दियां दो सुनता कीमती ने। ते मेरे नबी फरमाते ने, तीसरी हदीस है, दूसरी पढ़ी, पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, हुण तीसरी हदीस समाअत फरमाओ। मेरे और तुसां ते पीरो मुर्शद, सही हदीसां ने, सही पैगाम नबी पाक दा, पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने, दो नमाजा दे अंदर बंदे वल फरिश्ते आंदे भी ने ते जांदे भी ने, एक फजर दी नमाज, असर दी नमाज। आका फरमाते ने, जदों आसमाना वल फरिश्ते चढ़दे ने ते फरिश्तियां नूं अल्लाह पुछदा,
नहीं कि रब नूं पता नहीं, लेकिन अपने बंदियां दी तारीफ वास्ते फरिश्तियां दी जुबान विचों अपने बंदियां दी तारीफ कराण वास्ते रब पुछदा, ओ मेरे फरिश्तियो ये ते दसो ना दुनिया ते मेरे बंदियां कोल गैस हो, मेरे बंदियां नूं किस हालत दे अंदर पाया जे। ते फरिश्ते कहिंदे ने हुम युसल्लूना व आतैना हुम व हुम युसल्लूना। ओ रब्बा सोणिया जदों असीं दुनिया ते गए सां तेरे बंदे नमाज़ ही पे पढ़दे सन, जदों वापस आए सां ते तां भी नमाज़ ही पे पढ़दे सन। आओ मैं चौथा फरमान नबी पाक दा सुनावा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने, कायनात दे लोगो जदों बंदा रात नूं सौण लगदा है इत्थे गर्दन दी गुत्ती दे उत्ते अजब शैतान आके बंदे दियां तीन गिरा मार देंदा है। मेरे नबी फरमांदे ने शैतान अपनी कैद दे अंदर बंदे नूं जकड़ लैंदा है। मेरे नबी फरमांदे ने जिन्हों रब तौफीक देंदा है सुबह उठ पैंदा है ते उहदी पहली गिरा खुल जांदी है, जद वूजू करदा है दूसरी गिरा खुल गई, जदों आके रब दे सामने खड़ा हो गया नमाज वास्ते शैतान दी कैद दे विचों बंदा निकल जांदा है। मेरे पैगंबर दे सामने आओ मैं पंजवां फरमान नबी पाक दा नमाज दे मुतालिक सुनावा। मेरे पैगंबर दे सामने एक बंदे दा ऐसे बंदे दा जिक्र कीता जा रहा सी जे सुनिया महबूबा एक बंदा, मेरे नबी फरमांदे ने अजाने फजर हो गई नहीं उठिया, नमाजे फजर हो गई नहीं उठिया। मेरे पैगंबर दे सामने उहदा जिक्र कीता जा रहा है, हत्ता के तलूए शम्स सूरज निकल गया, हत्ता तत्लो शम्सा सूरज निकल आया मगर वह बिस्तर दे लेटे आ रहा है, सूरज दियां किरणां उहदे चेहरे ते पै गईयां मगर वह फिर भी लेटे आ रहा है। मेरे नबी फरमांदे ने काला बाल शैतान, उस बंदे दे कन्ना दे विच शैतान ने पेशाब कर दिता। फरमाया उस बंदे दे कन्ना शैतान ने पेशाब किया, उन्हें खबीस सुबह की है, खबीस ते मनहूस है जिन्हें फजर दी नमाज बिस्तर ते गुजार दी है। हुण मैनूं इमानदारी नाल दसो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहदे कन्ना वे शैतान ने पेशाब कर दिता है, वह कामो की वाले हो, और जिहदे कन्ना वे शैतान पेशाब कर दे दसो उहदे सेहत च बरकत रहिंदी है, उहदे रिज़क च बरकत रहिंदी है, उहदे माल च बरकत रहिंदी है। और जिदे कन्ना शैतान पेशाब कर दे जिंदगी दा की पता ही केड़े मोड़ ते मुक जावे, केड़े मोड़ ते मेरे तेरे साथ पूरे हो जान। एक रोज मोमिनो तुसी अज कहोगे मौलवी अज ना स्वाद दा जुमा नहीं पढ़ा रहा, नमाज दा मसला इन्हें शुरू कर लिया है, ये काम मुख है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, क्यों जी मरना तो है वे ना सामने। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर खे, पढ़ते रहो नमाज़ी ये कौले रसूल खे, और पढ़ते रहो नमाज़ तो चेहरे पे नूर खे। ओ काम की वाले हो, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा दुनिया दी किसे कोल करीम अंदर ओ हुसन नहीं जेड़ा अल्लाह ने वुजू दे पानी अंदर हुसन रखे है। ओ सुनिया मेरे तेरे चेहरे ते वुजू दा पानी लगेगा, अल्लाह मेरे तेरे चेहरे नूं हुसन अता कर देवेगा। इत्थे मैं कईआं जवानां नूं कहिंदा नमाज पढ़, कहिंदे ने मौलाना नमाज़ां बुढ़े बाबे पढ़ लैणियां, तुसीं मौलवी पढ़ लो। मेरे ते जवाए करम दे दिन ने, मेरे ते मौज मस्तियां दे दिन ने, मेरे ते सहरां करम दे दिन ने, मैं बुढ़ा होवांगा पंज टाइम दियां नमाज़ां पढ़न लग जांगा। ओ सोहणिया मेरे पैगम, ओ सोहणिया जे तूं जवान है मैं तेरी जवानी नूं की करां, ओ इत्थे यूसुफ के नानी वर्गा जो आम दुनिया छड़ के चला गया ही, जे तू सोना है ते मैं तेरे सोन नु की करा, इत्थे यूसुफ खूबसूरत दुनिया छड़ के चला गया ही। ओए क्या तेरा हुसन नबी यूसुफ दे हुसन दा मुकाबला ते नहीं कर सकदा सुनिया, ओ क्या तेरी खूबसूरती जनाबे यूसुफ दे चेहरे दा मुकाबला ते नहीं कर सकदी। इस वास्ते रब दा वास्ता ही नबी दी, जे शफात लैणियां जे शिकायत तो पड़च नहीं पांच टाइम दियां नमाज़ां शुरू कर दे, और शफात मेरे मुहम्मद ने करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किन्हां दी? जिन्हां नूं अल्लाह दी पहचान होई, बोलो जिन्हां नूं रब दी पहचान होई। आओ मैं गल मुकदी मुकावां, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहचान, और अल्लाह दी पहचान कौन कर सकदे ने जिहड़े पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह।
आओ तुहानू एक बीबी विखावा सौ हथ रस्सा ना वो एम ए पास है ना बी ए पास है एक आम जी बीबी है रवायत सही बुखारी अंदर मुसनद अहमद के अंदर भी रावी माँ आयशा सिद्दीका को रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बीबी काले रंग दी सिया रंग दी अम्मा आयशा कब रजी अल्लाह तआला अम्मा फरमा दियां ने यह औरत मस्जिद नबवी अंदर दा खैमा लगा सी ते सो औरत ने महातुल मोमिनी दे घरां नूं साफ कर देना भांडे धो देने मस्जिद नबवी की सफाई कर देनी अम्मा आयशा फरमा दियां ने उस औरत ने ना अक्सर मेरे घर भी आना मेरे घर भी मेरे आयशा सदीका दे घर भी अम्मा फरमा दियां ने उन्हें जदों आना ना तो उन्हें लम्मा साह भरना ते कहना हा अम्मा आयशा वो सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी के जो मैं अल्लाह की पछाण हुई अम्मा फरमा दियां ने उन्हें रोज़ आना रोज़ गल करनी एक दिन आ ना गई और जिस तरह औरतें एक दूसरे को कहदियां ने मेरे वाल वेख आ मेरे वाल फुण लग गई अम्मा फरमा दियां ने नाल उन्हें ओ जुमला बोलता हाँ अम्मा आयशा वो सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी जो मैं अल्लाह की पछाण हुई अम्मा फरमा दियां ने मैं उन्होंने कहा बीबी मैंने दस तो सही रोज़ आनी है सुरख मोती वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब जो मैंने अल्लाह की पछाण मैंने दस तो सही किस तरह तेन पछाण हुई हूँ उस औरत ने अल्लाह की पछाण वाला दिन अम्मा आयशा नूं दसिया तो आओ मैं जुमा खत्म करद्या करद्या तुहानू दसा कुछ औरत नूं अल्लाह की पछाण किस तरह ही फड़ लो जी हाओ अम्मा आयशा सिद्दीका कहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदी अम्मा मैं माड़े करामने दी औरत सां साडे पिंड दा नंबरदार ते चौधरी उहदे घर दियां जाके मैं सफाइयां कर देणियां बर्तन धो देने भांडे धो देने ते अम्मा आयशा मैं तैनूं गल उदों दी सुणाउण लगियां जदों मैनूं कोई पता नहीं अल्लाह किन्नूं कहिंदे ने मैनूं अल्लाह दी दात ते तारफ दा पता कोई नहीं बस इन्ना पता है साडे पिंड दे बंदियां ते जदों कोई छोटी परेशानी आउंदी है ते कोई जनाब बुत्तां नूं पुकारदा कोई लात नूं पुकारदा कोई मनाप नूं पुकारदा ते जदों साडे पिंड दे बंदियां ते कोई बड़ी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह ए ते बस उहदा नां लै छड्दे ने इस तो ज्यादा मैनू अल्लाह दे तारफ दा पता नहीं अम्मा एक दिन चौधरी साहब दी बेटी मेरे को चलदी आ गई है उहदे गले दे अंदर एक सुरख मोतियां वाला हार है हार इंज करके उन्हें उतार दिता है ते मैनू पकड़ा दिंदी है कहंदी है बीबी गल सुनना मैं नखाण वास्ते चली हाँ जदों मैं वापस आवांगी ते मैं तेरे को अपना हार वसूल कर लवांगी अम्मा आयशा अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर एडा कीमती हार अज तक नहीं देखिया मैं हार बार बार हार दे वल वेखनियां बार बार देखनियां इन्नी देर नूं एक असमाना तू चील एक परिंदा एक चील आई है हार चुंज अंदर उडा के ते असमाना वल लै गई है उन्हें समझिया सुरख है पता नहीं कोई गोशत दा टुकड़ा पिया है नी अम्मा आयशा हार वो चील लै गई है ते मैनू माणी दी अजमैश हो गई है इन्नी देर नूं चौधरी दी बेटी भी ना खा के वापस आ गई है आके मैनूं आंदियां नाल कहंदी है बीबी मेरा हार वापस कर मैं क्या हार ते मेरे कोल कोई नहीं इंज इंज मैं जमीन ते रखिया सी ते हार एक चील उडा के लै गई है हार ते मेरे कोल कोई नहीं ये कहंदी है बीबी असल दे अंदर तू माड़े घराने दी औरत है तू सोचिया होएगा हार मेरा हाँ हार इस औरत दा चौधरी दी बेटी दा बड़ा कीमती है ते मैं माड़ी औरत हाँ मैं अपने जिसम के आजाद अंदर छुपा लेनी हाँ औखे ते मुश्किल वक्त मेरे काम आ जाएगा ये कहती है बीबी मैं माड़ी जरूर हाँ लेकिन अमानतों के अंदर खयानत करने वाली औरत नहीं अल्लाह जानता है कई बंदे ते अपना ईमान ही वे छड़दे ने पैसों के बदले अपनी गैरत ही वे छड़दे ने इन्नी देर नूं कहती है बीबी जे नहीं तो हार दें तो मैं तेरा इलाज
कर लैनी हाँ, मैं अपने बाप न बुलानी हाँ। चनाची उन्हें अपने चौधरी बाप न बुलाया, वह आके कहता बीबी मेरी बेटी का हार वापस कर। मैं क्या चौधरी आ गल तो उंजे ही है जिमें मैं तेरी बेटी न सुनाइए, हार तो चील उडा के लै गई है। ये चौधरी कहता बीबी हार तेन छड़िया नहीं जाएगा, हार तेन माफ नहीं किया जाएगा, फटाफट कर हार मैनू दे जनाब जल्दी कर दे। मैं क्या चौधरी आ मेरे को हार कोई नहीं, मैं गल सच्ची भी करनी हाँ। चौधरी कहता बीबी जे हार नहीं देवेंगी तो मैं तेन इबरत का निशान बना के रख देवगा, की करांगा मैं तेरे जिसम के कपड़े उतार देवगा ते मैं तेन नंगिया कर देवगा। हाय 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 अम्मा ऐशा उस चौधरी की जुबान विचों गल निकली है ते मैनू माड़ी दे पैरां थलू जमीन निकल गई है। हाय एक औरत दे कोले क इज्जत इज्जत ही होया कर दी है, सुने हो जे इज्जत ना रवे ते औरत औरत गादी रह जाती है। अम्मा मैं उच्ची उच्ची रोन लग पैंदी हाँ, चौधरी आ वास्ते ही मेरे कपड़े ना उतारी। हाय जे मेरे कपड़े उतर गए ते मैं सिर चुक के जीण जोगी नहीं रवांगी। अम्मा इन चौधरी ने अपने पिंड दे मुंडे बुलाए जिन्हें मैनू तरीकणा ते तरोना शुरू कर दिता है, लै गए चौक दे अंदर। जे चौक अंदर मैं पै जाऊं पहुंचियां ते चौधरी ने अपना पूरा इलाका जमा कर लिया मेरा तमाशा लाण वास्ते। मैं माड़ी नूं दरमियान दे अंदर खड़िया कर दिता सो। मैनू कहिंदा बीबी तैनू आखरी वार्निंग दिंदे ही मेरी बेटी का हार वापस कर दे। मैं क्या भी चौधरी आ गल उंजे हार मेरे कोई नहीं। अम्मा जदों मैं तरले कर करके थक गई हफ गई फिर फौरन मेरे ज़ेहन अंदर ख्याल आया, हाय हाय जदों साढ़े पिंड के बंदियां ते कदों को निक्की परेशानी आती है ते ला ते मना ते बुतां नूं पुकार देने, जदों कोई बड़ी परेशानी आती है ते फिर कोई अल्लाह है ते बस उहदा नाम लै छड़ देने ते मैं चेहरा हमाना वल कर लिया। मैं सोचिया हाय हाय अज मेरे ते भी किन्नी बड़ी परेशानी आई है, होवे ना ते मैं उसे रब नू पुकार के वेखा जिस रब नू साढ़े पिंड दे बंदे वड्डी परेशानी अंदर पुकार देने। मैं चेहरा समाना वल कर लिया। मैनू ये भी पता सी जदों साडा साढ़े बंदे पिंड दे रब वे ते कोई उहदा नाम लैंदे ने ते चेहरा समाना वल करके लैंदे ने। मैं चेहरा समाना वल कर लिया उस दिन अम्माइशा मेरी जुबान च पहली दफा अल्लाह दा नाम गूंजिया। मैं चेहरा समाना वल कर लिया, मैनू पता पुता कोई नहीं अल्लाह कौन है, मैनू कोई पता नहीं अल्लाह किन्नू कहंदे ने। मैं चेहरा समाना वल कर लिया उस दिन मेरी जुबान च रब दा नाम गूंजिया। मैं क्या अल्लाह 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 मैं तेनू जान दी ते नहीं, अल्लाह मैं तेनू पहचान दी ते नहीं, अल्लाह मैनू बिल्कुल तेरा कोई तारफ नहीं, अल्लाह मैनू कोई पता नहीं तू कौन है तू किथे रहना है। अल्लाह मैनू तेरा इन्ना तारफ है साढ़े पिंड दे बंदियां ते जदों छोटी परेशानी आती है ते तू कोई अल्लाह है तेरा नाम लेंदे ने। अल्लाह मैं तेनू जान दी ते नहीं पर मेरी मदद फरमा, अल्लाह मैं तेनू पहचान दी ते नहीं पर मेरी मदद फरमा। अम्मा मैनू रब 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 अल्लाह अल्लाह कहंदियां कहंदियां चंद लम्हे गुजर गए ने, पूरे जना मजमे ते सन्नाटा छा गया है। इन्नी देर नू ओही चील अचानक उड़दी आई है, उड़दी आई है ते हार चौक अंदर सुट के ते वापस चली गई है। हार मैं ज करके तली ते फर लिया है। मैं कह लै फड़ अपना हार चौधरिया, लै हार दे बदले तू मैनू माणी दे कपड़े उतारन लगा सै। मन्निया तू बड़ा वड्डा चौधरी है, मन्निया तू बड़ा वड्डा जनाब चौधरी है, लेकिन तेनू किसी की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं। ये चौधरी ते सारे पिंड वाले माफियां मंगण लग पए ने। अम्मा उन्हें मैनू जलील करन दी हद कर दित्ती है। अम्मा मैं रात दे वक्त पिंड छड़ दिता है, रस्ते अंदर मैं सफर करदियां करदियां अम्मा मैनू सफर करदियां करदियां पिछली रात का टाइम हो गया, रस्ते अंदर मैनू मुसाफरां ते खैमे लगे नजर आए, जिवें मुसाफर रात गुजारन की खातर जनाब खैमे लगा के आराम पे करते ने। मैं सोचा मैं औरत जात हाँ, मैं कली टुरदी कितों तक जावगी, मैं होवे ना तो मैं मुसाफरां दियां खैमियां दे अंदर लेट जानी हाँ, जिथे निकलन गए सुबह इन्हां दे नाल चली जावगी। अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाह ताला मैं हले एक मुसाफर
मुसाफरां दे खैमियां विचों इक खैमे दे अंदर जा के मैनू बैण दी देर। इन्नी देर नू एक जवान निकलदा है, उहने मूंह हत्थ धोता है ते दूआं कन्नां दे उत्ते हत्थ रख लैंदा है ते परले पासे मूंह करके बावाज़े बुलंद कहण लग जांदा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मा मेरे दिल नू तसल्ली हो गई, हाय हाय इत्थे काफले वाले उसे रब नू मन्नण वाले जाप देने जिस रब ने मैनू माणी दी इज्जत नू बचाया है। महसूस हुंदा रब नू मन्नण वाले जाप देने। सुबह होई मैं गल खत्म कर लगा वा, सुबह होई ते मैं उन्हां नू सारा वाकया सुना दिता है। इत्थे बाप अंदर पता लगा एक काफले वाले आम बंदे नहीं बल्कि मेरे पैगंबर दे पाक बाद साहबा ने, मेरे नबी दे पाक बाद जान निसार ने, कायनात दे लोको। फिर इन्हां मैनू ले जा के मदीनातुल मुनव्वरा अंदर आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद दे सामने पेश कर दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा उस दिन मेरी पहली दफा मुलाकात रहमत इंसानियत वफाए इंसानियत रहमत दो आलम जनाबे मुहम्मद दे नाल हो जांदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नबी पाक नूं एवें ही अपना दुख भरिया इल्जाम भरिया वाकिया सुना दिता है। मेरे नबी फरमांदे ने नी बीबी हुण मेरे कोल मदीने विच आ गई है ते गम कादे लई फिकरनी है। अम्मा अज तो बाद तेरा घर मस्जिद नबवी होएगा ते तेरा शहर मदीना होएगा। अम्माए ओ दिन जदों मैनू रब की पछाण हुई है, कायनात दे लोको आओ अपने अल्लाह की पहचान करो। जे नबी की शफात चाहते जे, अगर नबी पाक की शफात ते आप की शिकायत तो बटना चाहते जे, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिहि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।